डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज साचूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट जो टॉपिक है आइसोमराइजेशन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हुआ था तो उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट नोट, व्हाट इज लॉब्री डी ब्रैग वन इनकेस्टीन। इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना था। तो देखिए आज का टॉपिक मैं इसी पर डिस्कस कर रहा हूं। लॉब्री डी ब्रैग वन इनकेस्टीन आइसोमराइजेशन क्या होता है? तो इसके अंदर जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उन मोनोसैकेराइड्स को हम डाइल्यूट बेस तनु क्षार जो होता है या फिर एमिस की उपस्थिति में रिएक्शंस करवाई जाती है तो उसका आइसोमराइजेशन हो जाता है। और आइसोमर के थ्रू तीन भिन्न भिन्न अलग अलग एक इक्विलिब्रियम सामे बनाते हैं जिसमें डी ग्लूकोज डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज इक्विलिब्रियम सामे स्थापित करेंगे जिसको लॉब्री डी ब्रैग वन इनकेस्टीन आइसोमराइजेशन कहा जाता है। तो देखिए मैंने लिखा है यहां पर कि डाइल्यूट क्षार की प्रेजेंस में मोनोसैकेराइड्स की विक्रिया का समावेवीकरण हो जाता है। इस प्रकार का जो समावेवीकरण आइसोमराइजेशन होता है उसको हम लॉब्री डी ब्रैग वन इनकेस्टीन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो अभी जो एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछा था कि लॉब्री डी ब्रैग वन इनकेस्टीन रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो इसके अंदर जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो क्षार की उपस्थिति डाइल्यूट जो क्षार है तनु क्षार है उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया से उनका आइसोमराइजेशन समावेशीकरण हो जाता है। इस आइसोमराइजेशन को हम लॉब्री डी ब्रैग वन इनकेस्टीन रीअरेंजमेंट कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये डी ग्लूकोज है, इस डी ग्लूकोज को डाइल्यूट एचसीएल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें एक मध्यवर्ती एन डाइऑल प्राप्त होता है, एक द्विबंधित डबल बॉन्ड एन डाइऑल। ये एक मध्यवर्ती एन डाइऑल प्राप्त होगा। इस मध्यवर्ती एन डाइऑल से हमें दो अलग अलग समावेश एक डी फ्रक्टोज और दूसरा डी मैनोज प्राप्त होता है। तो जो मोनोसैकेराइड्स उसको डाइल्यूट बेस एमिन से अभिक्रिया करके अन्य एल्डोल कीटोन का एल्डोल कीटोस का सामिल मिश्रण बनाते हैं। यह अभिक्रिया के मध्य एक मध्यवर्ती एन डाइऑल के बनने से संपन्न होता है। तो यहां आप देख रहे हैं जो डी ग्लूकोज है इस डी ग्लूकोज का डाइल्यूट बेस है डाइल्यूट एनओएच की उपस्थिति में आइसोमराइजेशन होता है। तो पहले एक मध्यवर्ती सी एच ओ एच डबल बॉन्ड सी एच ओ एच एन डाइऑल बनता है। इस एन डाइऑल बनने के बाद फिर क्या होता है, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ में जुड़ करके CH2OH C डबल बॉन्ड OO हो जाएगा, एक H प्लस जो होगा वो रिमूव हो जाएगा और इस प्रकार से आप देख रहे डी फ्रक्टोज बनता है। और इस प्रकार से एन डाइऑल बनने से इसमें रोटेशन के थ्रू इस कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है इसमें रोटेशन के थ्रू समावेवीकरण द्वारा
C2 कार्बन पर H और OH की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो इससे जो आइसोमर बनता है वो डी मेनोज कहलाता है। जो आगे हमने बात की थी कि C1 के अतिरिक्त C2, C4, C3 और C5 जो कार्बन है, C2 है, C3, C4 और C5 कार्बन पर H और OH की स्थिति में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार से हमें एपिमर प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को हम एपिमराइजेशन कहा जाता है। तो यहां पर ये जो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज तथा डी मेनोज, ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम साम्यावस्था के अंदर रहते हैं। बेस की उपस्थिति में डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज, डी मेनोज या डी मेनोज से डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, इस तरह से अंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसको हम लॉबरी डी ब्राइन वॉन इंकेस्टिन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। तो इस प्रकार इसके बारे में आपको ये शॉर्ट नोट लिखना था कि लॉबरी डी ब्राइन वॉन इंकेस्टिन रीअरेंजमेंट क्या है, जिसमें डाइल्यूट क्षार की उपस्थिति में एल्डोज और कीटोज का एक साम्य मिश्रण प्राप्त होता है, जो आपस में साम्य अवस्था के अंदर उपस्थित रहते हैं। डी ग्लूकोज, डी मेनोज और डी फ्रक्टोज, ये एक मध्यवर्ती एंडाइऑल के बनने के कारण संपन्न होता है, जिसको आप लॉबरी डी ब्राइन वॉन इंकेस्टिन रीअरेंजमेंट कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट आगे बात करें तो जो म्यूटा रोटेशन है, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि म्यूटा रोटेशन यानी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या होता है। तो देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट म्यूटा रोटेशन यानी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ये भी इंपॉर्टेंट, अगली बार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या होता है। देखिए म्यूटा रोटेशन में अल्फा डी ग्लूकोज का प्रारंभिक विशिष्ट घूर्णन 112 डिग्री है। अल्फा डी ग्लूकोज होता है, उसका जो प्रारंभिक विशिष्ट घूर्णन कोण है उसका मान कितना होता है, 112 डिग्री है, जो समय के साथ घटकर प्लस 52 डिग्री हो जाता है। अल्फा डी ग्लूकोज उसका जो प्रारंभिक विशिष्ट घूर्णन कोण प्लस 112 डिग्री है, जो समय के साथ में घटकर के प्लस 52 डिग्री हो जाता है, तथा बीटा डी ग्लूकोज का प्रारंभिक विशिष्ट घूर्णन प्लस 19 डिग्री है, 19 डिग्री है,
जो समय के साथ बढ़कर +52 डिग्री हो जाता है। देख जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका तो प्रारंभिक विशिष्ट गुणन +112 डिग्री, जैसे जैसे समय बीतेगा तो इसका जो गुणन कोण है, विशिष्ट गुणन कोण है, वो 112 डिग्री के बाद में घटकर के 52 डिग्री हो जाता है। और बीटा डी ग्लूकोज है इसका जो प्रारंभिक विशिष्ट गुणन 19 डिग्री होता है, जो धीरे धीरे समय के साथ बढ़कर के 52 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, उनके विशिष्ट घूर्णन कोण के मान में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को हम म्यूटा रोटेशन यानी परिवर्तित ध्रुवन घूर्णन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मोनोसेकेराइड में समय के साथ अतः मोनोसेकेराइड्स में समय के साथ विशिष्ट घूर्णन विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण में इस प्रकार परिवर्तन को म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। यानी जो मोनोसेकेराइड है उसका समय के साथ विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन में ये जो परिवर्तन हो रहा है, तो इस परिवर्तन को हम म्यूटा रोटेशन यानी परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका प्रारंभिक विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कोण 112 डिग्री है, जो समय के साथ में घटकर के 19 डिग्री हो जाता है, सॉरी 52 डिग्री हो जाता है। और बीटा डी ग्लूकोज है इसका प्रारंभिक विशिष्ट घूर्णन कोण +19 डिग्री होता है, जो बढ़कर के 52 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से ये जो विशिष्ट घूर्णन कोण के मान में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, तो इसको आप म्यूटा रोटेशन परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहलाता है। मैकेनिज्म की बात करें इसके, तो जो लॉरी था उन्होंने इसकी क्रियाविधि के बारे में डिस्कस किया था, क्रियाविधि के बारे में बताया था कि इसमें जो ग्लूकोज की हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर होती है वो एम्फोटेरिक जो सॉल्वेंट होता है, उभय प्रोटिक जो एसिड और बेस दोनों में काम करता है, जैसे वाटर है, तो उस हेमी एसिटेट की संरचना वाले जो ग्लूकोज, उसके अंदर जब वाटर डाला गया तो H2O के योग से रिंग ओपन होती है और वापस H2O के विलोपन से रिंग क्लोज्ड होती है, एक साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट प्राप्त होती है।
तो देखिए यहाँ पर जो अल्फा ग्लूकोजेज इसका प्रारंभिक विशिष्ट ध्रुवन घूर्णन 112 डिग्री, जैसे ही हम इसके अंदर H2O डालते हैं तो यहाँ से रिंग ओपन होती है एक OH ग्रुप कार्बन के साथ में और एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ करके CHOH OH CH एक साम्यावस्था मिश्रण प्राप्त होता है जिसका विशिष्ट घूर्णन +52 डिग्री होता है। अब ये जो साम्यावस्था मिश्रण होता है उसमें क्या होता है, 180 डिग्री पर एक रोटेशन होता है, घूर्णन होता है और घूर्णन के बाद में H2 अणु के रिमूव से आप देख रहे हैं वापस रिंग है वो क्लोज्ड हो जाती है और इस प्रकार से बीटा ग्लूकोज प्राप्त होता है जिसका विशिष्ट घूर्णन कोण 19 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से अल्फा ग्लूकोज तथा बीटा ग्लूकोज का जलीय विलय एक साम्य मिश्रण बनाता है। इस मिश्रण में परिवर्तन के कारण ही परिवर्तित ध्रुवन घूर्णन होता है। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिंग ओपन होगी जिसके कारण से ये अल्फा डी ग्लूकोज धीरे धीरे समय के साथ में इसका विशिष्ट घूर्णन कोण 52 डिग्री पर, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो बीटा डी जो ग्लूकोज होता है 19 डिग्री जिसका विशिष्ट ध्रुवन घूर्णन कोण है वो समय के साथ में बढ़कर की 52 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार जो अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी ग्लूकोज के विशिष्ट घूर्णन जो है उसके मान में समय के साथ जो परिवर्तन है जिसको आप म्यूटा रोटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये साम्यावस्था मिश्रण प्राप्त होता है इसमें एक रोटेशन होता है 180 डिग्री एंगल से ये रोटेट हो जाता है जिसके कारण जो C1 कार्बन आप देख रहे हैं इस पर H और OH की स्थिति में परिवर्तन होता है। इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है जिससे हमें एक अल्फा और दूसरा बीटा समावेशी प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट आगे जो ग्लूकोसाइड का फॉर्मेशन है और ग्लाइकोसाइड्स और ईथर इसके बारे में नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।